खरगोन शहर के आनंद नगर में बलाई समाज के शमशान घाट की दीवार को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जेसीबी मशीन से बिना नोटिस के गत दिनों तोड़ दिया गया। जब इसकी सूचना समाज को मिली वे मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा पूनम चंद गांगले को ले जाकर थाने में बिठा दिया गया। इसी के विरोध में बलाई समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुरुवार को कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बाउंड्री वॉल तोड़ने वाले कर्मचारियों, आदेश देने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला और पुलिस थाना प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। जो बाउंड्री तोड़ी है, जो बलाई समाज की जमीन है, शमशान घाट है, उसको तोड़ी गई है, तो उसको तोड़ना और हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी को थाने पर बिठा लेना और पुलिस बल के साथ में इस प्रकार से जो कार्रवाई किया, उससे समाज में आक्रोश है। जो प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए कार्रवाई की है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि इन पर प्रकरण दर्ज हो। क्या मांग क्या की गई है? प्रकरण दर्ज हो उन पर। किन पर? जिन्होंने अवैध कार्रवाई करी है, न्यायालय का अपमान किया है, न्यायालय की अवहेलना की है, आदेश की। कौन लोग हैं इनका? खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहा? प्रशासन ने किया है ना, प्रशासन ने हमला भेजा है, नगर पालिका के द्वारा भेजा गया है। क्या नाम आपका? विजय कुछ। नगर पालिका हमले में जाकर कंपाउंड वॉल तोड़ी और मुझे घर से पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया। मेरा मोबाइल वगैरह छीन लिया। कब हुआ ये? कब की घटना है? तीन तारीख। क्या कारण क्या है? संतान घाट की जमीन पर कब्जा करना चाहते। जमीन किसकी? भलाई समाज संतान, भलाई समाज का संतान घाट है। क्या मांग कर रहे हैं आप? उचित मांग यही है कि आप शिवमो के विरुद्ध और टीआई साहब के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या करेंगे आप? बड़े पैमाने पर उग्र रूप धारण करके आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम आपका? पूनम चंद गांगले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।